24 साल की हिमांशी पाठक का घर कई बेजुबान जानवरों का आशियाना भी है। पिछले 3 सालों से वे हर रोज शहर के सैकड़ों जानवरों को ना सिर्फ खाना खिलाती हैं, बल्कि बीमार होने पर उन्हें अपने घर ले भी आती हैं। मैं डेली 150 प्लस डॉग्स की फीडिंग कराती हूँ, जिसमें कि उन्हें खाना बदलने के और स्वाद बदल बदल के खाना देती हूँ, जैसे कि दूध चावल, दही चावल और मिक्स वेज खिचड़ी और डॉग फूड। बनारस की रहने वाली हिमांशी बीएससी की पढ़ाई कर रही हैं और इस काम को शुरू करने की प्रेरणा उन्हें अपने जीवन की एक करुण घटना से मिली थी। इसको करने की सबसे बड़ी वजह जो बनी वो मेरी जूली बनी, जो कि मेरी अपने डॉग है, जिसे मेरे भाई ने गिफ्ट किया था मुझे आज से 3 साल पहले। फिर मुझे जानवरों के लिए एक प्रेम आने लगा मन में, और मैं जब बाहर निकलती थी फिर मैं उनका दर्द महसूस कर पाती थी। बहुत सारे पैरालाइज डॉग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो ऐसे रोड पे भूखे प्यासे पड़े रहते हैं, तड़पते रहते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। तो मैंने उस टाइम ये डिसीजन लिया आज से 3 साल पहले कि मुझे इन पे प्रॉपर वर्क करना है। अपने माता पिता की मदद से हिमांशी ने एक छोटे से स्तर पर इस काम की शुरुआत की थी, लेकिन आज वे एक मुहिम बन गया है जिसके लिए उनका परिवार हर महीने करीब 40,000 खर्च करता है। आने वाले समय में हिमांशी ज्यादा से ज्यादा बेजुबानों के लिए काम करना चाहती हैं, जिसके लिए उन्हें ज्यादा फंड्स की जरूरत भी है। अगर आप भी इस नेक काम में उनका साथ देना चाहते हैं, तो उन्हें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए फॉलो करें द बेटर इंडिया हिंदी को।